रेजिमेंट हक है हमारा। दादा किशन की जय। दादा किशन की जय। टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए, टेम्पोरेरी नहीं परमानेंट चाहिए, यह कहे पूरा अहिरान अहिर रेजिमेंट चाहिए। एक आदमी की इससे अच्छा मृत्यु क्या हो सकती है कि उसकी मृत्यु उसके देश के लिए हो और उसके देश के में उसके पुरखों के लिए हो और उसके मंदिरों के लिए हो, बचाते हुए हो। तो रिजांगला में वीरों ने बहुत अच्छा जो शहादत दी उसके लिए हम हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगे और हमारी मांग है अहिर रेजिमेंट। सोचो वो वीर कितने बड़े जिगर के थे, मरने के बाद भी उनकी उंगली ट्रिगर पे थे। पूरे सैनिकों को उनका सम्मान देना होगा और अहिर रेजिमेंट हक है हमारा और हमें लेना होगा। महाभारत के कुरुक्षेत्र का लड़ता हुआ सिपाही लिखा जो इतिहास धारा का, मैं वो स्वर्ण से आही, ये उनकी आत्मा कह रही है। दादा कृष्ण के खून से उपजा नन्हा माधव हूँ, हाँ हाँ मैं यादव हूँ, हाँ हाँ मैं यादव। नमस्कार प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज भोजपुरी। जी हाँ, अभी मैं मौजूद हूँ मनेर में मौजूद हूँ, जो कि आज वीर अहिर रेजांगला यानी कि आज रेजांगला दिवस है, जो कि 114 सैनिक मिलकर जो कि हमारे देश के थे और रेजांगला में 2000 सैनिकों को मार गिराए थे। और यहीं पर अभी मौजूद हैं संतोष रनु यादव जी और तमाम यहां का ग्रामीण मौजूद हैं जो कि भव्य तरीके से आज रेजांगला दिवस मना रहे हैं। लेकिन एक बात ये रह जाती है कि रेजांगला दिवस ही सिर्फ रह जाती है, लेकिन अभी तक जिस तरीके से अहिर धाम बना हुआ है लेकिन अभी तक अहिर रेजिमेंट नहीं मिला है, बड़ा सोचने वाली बात है। तो मैं चाहूँगा अभी कि संतोष रनु यादव जी से मैं बात करूँगा, कुछ मैं यहाँ के ग्रामीण से भी बात करूँगा। यहाँ पर सभी सोशल एक्टिविस्ट फ्रॉम का लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये जो वीर अहिर रेजांगला दिवस मनाया जा रहा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि अलग बात है कि सरकारें इस बात को नहीं समझ रही हैं। हम लोग शुरुआती अवस्था से हम लोगों का जो कुल खानदान, हम लोगों के जो समाज हैं, वो देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने खून की आहुति देते आए हैं, अपनी जान की बाजी लगाते आए हैं। आप देखे होंगे कि आप दादा श्री कृष्ण को भी देखे होंगे, कभी गोवर्धन पर्वत उठा लेते हैं, कभी नाग को नाथ देते हैं समंदर में घुस करके, तो तमाम कार्य वो करते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जो रेजांगला का जो मैदान है, जो कि आज अहिर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, आज ही के दिन 18 नवंबर 1962 में हमारे 114 वीर अहिर सैनिक शहीद हुए थे और अपनी शहादत देकर के भी भारत माँ की इज्जत और आबरू को बचाने का कार्य किया था। 2000 से अधिक चीनी सैनिकों को शिकस्त दिया था और जिसके बाद ये एक ऐसा इतिहास है जो चीनी जो वहाँ के पाठ्यक्रम हैं उसमें शामिल है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश के जो भी सरकारें बनी इस इतिहास को अपने पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करा पाई और उन जो वीर सपूत जो रहे उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाई। तो हम लोगों के लिए तो अपने कुल खानदान की बात है, तो हम लोग अपना मनाते आते हैं। और मतलब 114 सैनिक यानी कि वीर अहिर यानी कि अहिर धाम बना हुआ है रेजांगला, जो कि लद्दाख में वो पड़ता है, जो कि उतने चीनी सैनिकों को मारकर 114 सैनिक गिरा चुके हैं और अहिर धाम वहाँ पर बन चुका है। लेकिन एक सवाल सर और रहेगा आपसे कि उतने वर्ष हो गए और रेजांगला दिवस सब दिन मनते हैं, या फिर बिहार हो चाहे यूपी हो चाहे झारखंड, सभी जगह मनते हैं, मनाए जाते हैं, कुछ लोग मानते हैं, लेकिन अभी तक अहिर रेजिमेंट नहीं मिलना, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये है अनदेखी, इसको कहते हैं जानबूझ करके अनदेखी करना। जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, जिस अहिर धाम को पूरा वर्ल्ड जो है वो वीर भूमि के नाम से पूजता है, जिस अहिर सैनिकों की बलिदान को
जिस अहिर सैनिकों की जाबाजी को पूरा वर्ल्ड सलाम करता है, प्रणाम करता है, ये दुर्भाग्य है कि देश में हम लोग अहिर रेजिमेंट के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं। और ये सौतेलापन व्यवहार कह सकते हैं जितनी भी सरकारें बनी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ, इसके पूर्ववत भी जो सरकारें जो बनी ये उन सरकार को भी चाहिए था। लेकिन अब जब वर्तमान में जब बीजेपी की सरकार है, ये बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम सैनिकों के लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो अच्छा कार्य करते हैं तो एक सच्ची श्रद्धांजलि तो दे दीजिए उन 114 जो जाबांज जो देश के लिए अपनी प्राण की बाजी लगा दिए, उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे दीजिए और अति शीघ्र अहिर रेजिमेंट का गठन करवाइए, घोषणा कर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वीर अहिर रेजांगला दिवस आज यहाँ पर मनाया गया है, जो कि भव्य तरीके से यहाँ पर पंडाल में बहुत काफ़ी बड़ा पंडाल भी लगाया गया है, लेकिन सिर्फ रेजांगला दिवस मनाया जाता है यहाँ पर। यहाँ से मैं चाहूँगा कुछ समाज से भी यहाँ के कुछ बताएं कि अहिर जो रेजांगला दिवस आप लोगों ने मनाया, क्या आप लोग का मतलब कि समझते हैं? हम लोग था कि जो इतना गौरवशाली भारत का इतिहास है उसको कभी इतना किताबों में, ना कभी किसी दोहों में, ना कविताओं में, मतलब कि दुआओं में तक नहीं बोला गया कि 114 सैनिकों ने अपनी जान की आहुति देकर, और चीन के अधिकारी का आंकड़ा है कि 1400 लोगों को मार दिया था, चीन कहता है कि हमारे 1400 सैनिक मारे गए, और इतनी वीरता की महान लड़ाइयाँ जो है अभी तक पता नहीं क्यों नहीं बताया गया। ये तो हम लोग 8-10 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जाना जाए और उसका प्रतिफल अच्छा मिला है। अब रक्षा मंत्री भी जाते हैं रेजांगला और अब ये चीज़ छुपने वाली नहीं है। और जो हमारा उद्देश्य यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस संघर्ष, इस लड़ाई के बारे में जाने और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताए कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा है। जो 114 सैनिक मारे थे सर चाइनीज सैनिकों को, थोड़ा उनका अगर कहानी पर थोड़ा सा एक मिनट अगर कुछ बताएं आप। जैसे उस समय जो हमने जो पढ़ा है, जो मुझे स्मरण में है कि उस वक्त ऐसा था कि लड़ाई लड़ते लड़ते शस्त्र और कारतूस का अभाव हो गया था। ये एक अहीरों की वीर गाथा ही है, आप जब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। शस्त्र और कारतूस कम पड़ गए थे, उसके बावजूद तमाम जितने भी वहाँ पे अहीर जाबाज थे वो हार नहीं माने, वो मल्ल युद्ध करना शुरू किया और मल्ल युद्ध करके गए, जो दुश्मन के जो सैनिक थे उनको उन्होंने शिकस्त दिया, पराजित किया। और जिसके बाद जो चीनी सैनिक थे, जो उनके जो अधिकारी थे, जो हमारे शहीद जो जवान थे, उनके सब के बगल में एक सम्मान पूर्वक जो राइफल जो होता है उसको उल्टा ये कर देना, उसमें टोपी लगा देना, ये सम्मान होता है सैनिकों के लिए, इस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर जब दुश्मन भी आपको सम्मान दे रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कार्य कोई छोटे मोटे कार्य नहीं होंगे, बहुत अनुपम कार्य होंगे, बहुत अतुलनीय कार्य रहा होगा। तो इस अब सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बार बार कहूँगा कि ये बहुत ही सौतेलापन व्यवहार ही है। जितने भी तमाम जो केंद्र सरकार में सरकारें बनी आज तक, अगर उन 114 वीर जाबाजों को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दी गई, क्योंकि अहिर रेजिमेंट कहीं ना कहीं उन 114 वीर जाबाजों की सच्ची श्रद्धांजलि ही होगी। और हमें लगता है कि अगर सच्चे देशभक्त अगर हैं केंद्र में बैठे हुए जो भी लोग हैं, रक्षा मंत्री का सिर्फ अहिर धाम चले जाना ये मायने नहीं रखता है। अहिर धाम आप जा रहे हैं वहाँ पे तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं, क्योंकि वो जो धरती जो है, वो जो भूमि जो है, वो वीरों के रक्त से रंगी हुई भूमि है, वो वीर सपूतों के खून से सनी हुई भूमि है, और आप वहाँ जा रहे हैं तो ये आपके सौभाग्य की बात है। लेकिन आप रक्षा मंत्री रहते हुए आप उन वीरों की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए क्या कर रहे हैं?
यहाँ पे मुद्दा, मेन मुद्दा ये है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर जिस प्रकार से आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब थे रक्षा मंत्री, तो जवानों के लिए उन्होंने एक योजना लाई थी जो कि जवानों का सब पहले घर नहीं आता था, तो उनके पहल के बाद आना शुरू हुआ। तो हम तो चाहते हैं कि जो रक्षा मंत्री, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, वो कम से कम अहिर रेजिमेंट का घोषणा कर दें, और घोषणा करके वो भी आने वाले युग युगों तक अहिरों के हृदय में एक विशेष स्थान ग्रहण करें, मैं चाहता हूँ। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में संतोष रणु यादव जी, और रेजांगला दिवस आज मनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी यहाँ पे समाज सेवी लोग भी मौजूद हैं, जो कि मैं कैमरा में से चाहूँगा कि सभी को एक बार फिर से दिखा दिया जाए, जो कि सभी लोगों ने मतलब कि रेजांगला दिवस के सम्मान में काफ़ी यहाँ पे भव्य कार्यक्रम रखने का इन्होंने प्रयास किया। तो चलिए फिलहाल सबसे एक मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा छोटू जी, कि यहाँ पे मनेर में सोशल एक्टिविस्ट फोरम के द्वारा जो रेजांगला दिवस जो मनाया जाता है, ये बहुत ही अच्छी पहल है, और पिछले लगातार हमको लगता है 8-10 साल से ये कार्यक्रम, यहाँ तीन साल से जगह पे लोग, हाँ, तो ये बहुत अच्छी पहल है, और ये कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल है युवाओं के लिए भी, आने वाले पीढ़ियों के लिए भी, और जो लोग कहीं ना कहीं समाज को सींचते सींचते यहाँ तक लाए उनको भी कहीं ना कहीं खुशी मिलती है। तो रेजांगला दिवस जो है, इस अवसर पे हम आपके चैनल के माध्यम से हम एक आग्रह करना चाहते हैं कि इन वीर सपूतों को एक छोटी मोटी सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग भी दे सकते हैं। घी का दिया जलाएं आज अपने घर के बाहर, ऑन कैमरा ही बोल रहे हैं, घी का दिया जलाएं इन शहीदों के नाम का, और जहां हैं वहीं से हमारे जो जवाज हैं उनको आप सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और मैं कोटि कोटि में आभार व्यक्त करूंगा सोशल एक्टिविस्ट फोरम का, मनेर का अध्यक्ष जी, मैं इनका सोशल एक्टिविस्ट फोरम का अध्यक्ष हैं, जो कि काफ़ी युवा हैं, और उपाध्यक्ष जी हैं यहाँ पर, उपाध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, सभी लोग मौजूद हैं, जो कि काफ़ी इन्होंने भव्य तरीके से कार्यक्रम को रखा, जो कि इन्हें भी कहीं ना कहीं रेजांगला का वो कहानी याद आई होगी, या फिर वो कहानी को जानते हैं। तो ऐसे ऐसे नौजवान अभी लड़ रहे हैं देश में अहिर रेजिमेंट के लिए, अब न जाने इनकी मांग पूरी कब होती है, फिलहाल मैं तो दिखाते रहूँगा। तो जाते जाते आप इनसे कुछ पूछा जाए। देखिए, रेजांगला के विषय में कहा गया है कि नहीं पीठ पर एक भी गोली, छलनी केवल छाती थी, वंदे मातरम गाते थे जब आखिरी हिचकी आती थी, जब जब भारत माता अपने बेटों पर पीठ लाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले आएगी। रेजांगला के में हमारे वीरों ने, हमारे पुरखों ने जो अपने हमें अपने माथे का स्वाभिमान दिया अपनी बलिदान को देकर, तो आज उनके सम्मान की बात थी, तो हम लोगों ने अपने अपने पूरे जोश के साथ इस कार्यक्रम को रखा, और इसका समापन बहुत ही अच्छा हुआ। इसके लिए हम पूरे के और शुक्रगुजार हैं, युवाओं के शुक्रगुजार हैं। चलिए, कैमरामैन राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे थे तबाही न्यूज भोजपुरी, और अभी मैं मौजूद हूँ वीर अहिर रेजांगला, जो कि यहाँ पे बनाया गया है, और आज रेजांगला दिवस है। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।